यहाँ पुष्कर स्टार्ट हो जाता है और जो बाहर की गाड़ियाँ रहती हैं फोर व्हीलर और जो पुष्कर में एंट्री करते हैं वहाँ का यहाँ पर टोल लगता है। कितना टोल लगता है? 20 रुपये। 20 रुपये टोल लगता है यहाँ पे। अगर कोई पुष्कर आता है तो सबसे पहले एंट्री में टोल देना पड़ता है, फिर आप अंदर आ सकते हैं फॉर फोर व्हीलर्स ओनली। और अभी ये पुष्कर स्टार्ट हो गया है। कहाँ पे यहाँ पुष्कर? अच्छा, मतलब जैसे अगर हम आते हैं तो मतलब हायर कर सकते व्हीकल। तो यहाँ पे पीछे से हम लोग बाइक्स वगैरह को हायर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक दो दिन रुकने के लिए आते हैं तो घूमने के लिए बाइक्स हायर कर सकते हैं। अभी उसका रेट मुझे पता नहीं है, बट आप आके यहाँ पे पता करके आराम से हायर कर सकते हैं। ये HDFC बैंक है, किसी को पैसे निकालने हो तो निकाल लेना। भैया अपन तो निकाल के लेके आए, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत ही नहीं है। आना फ्री, जाना फ्री, रहना फ्री, खाना फ्री। अच्छा, कौन सा मंदिर? राम जी? रंग जी, रंग जी। अच्छा, ये रंग जी का मंदिर है ये वाला। ओके, ये 4 बजे चालू होगा। इस पे ना सोने की है ना वो लगी हुई कलश होता है ना, हाँ वो लगा हुआ आज। अच्छा, जब हमारा भारत लूटा गया था ना, हाँ तब ये चीज नहीं गई थी यहाँ। ओके, अच्छा वो सोने की इधर ही रह गए थे। हाँ, अभी लगा हुआ है। अच्छा, ये तेरी आवाज भी आ जाएगी, तू बता रही ना, इसलिए सिर्फ ये थोड़ी है। इसमें बीच बीच में कुछ मेरी फ्रेंड के द्वारा आपको एक्सप्लेनेशन जरूर मिलेगा। अरे भैया, और ऐसे लोगों से आपको बच के भी चलना पड़ेगा। हाँ जी, यहाँ से इस तरफ से अब वो दिखाई नहीं पाए हम। पुष्कर में मालपुए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो अगर पुष्कर आते हैं तो मालपुए ज़रूर ज़रूर खाएं। हम लोग भी अभी लौट के आएंगे तो मालपुए ज़रूर खाएंगे और लेके भी जाएंगे। पार्किंग आ गई हम लोग की, तो हम लोग अभी पुष्कर आ गए हैं। तो अभी आगे घाट से चलते हैं, सबसे पहले किसी घाट पे चल रहे हैं तो ये लोग जहाँ लेके जाएंगे हम वहाँ पे जाएंगे। कौन सा घाट जाना है अभी? तो अभी हम लोग यहाँ पे ये बड़ा घाट आए हुए हैं। ये तो होलकर घाट है, तो उल्लू बना रही हमें, देखो उस तरफ से बड़ा घाट, इधर से होलकर घाट। अच्छा ठीक है, मतलब घाट एक ही है, नाम अलग अलग है। ठीक है, अच्छा ओके। और बताओ, तो बताते सामने पुष्कर झील है। ये पुष्कर झील है, अच्छा तीर्थराज पुष्कर झील। ये इधर बड़ा घाट है, अभी बड़ा घाट, बढ़िया। यहाँ पे काफी लोग नहा रहे हैं, ये पुष्कर झील है, बहुत बहुत मस्त। ये पुष्कर का मार्केट है। अभी हम लोग यहाँ से घाट पे से होके आए हैं। वहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो उस वजह से हमने जितना कोशिश किया वीडियो बनाने का वो मैंने दिखाया है। क्या ये मालपुए की शॉप है, बहुत फेमस शॉप। और ये पूरा मार्केट आप देख सकते हैं, ये देखिए।
हैंडीक्राफ्ट का परफ्यूम, बैग्स, इत्र, इत्र, राजस्थानी बैग्स, राजस्थानी कलाकृतियाँ, अरे आई डोंट नो द हिंदी नेम, बट अच्छे बैग्स हैं, सीरियसली मस्त बैग्स हैं, हैंडीक्राफ्ट वाले बैग्स हैं। मतलब मैं सच में रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी सारी सामान है, बट अगर आते हैं तो ज़रूर शॉपिंग करने कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अभी मंदिर के पास पहुँचने वाले हैं हम लोग, तो अभी मंदिर कितने दूर और है, 12 से 4 मंदिर बंद रहता है, तो अभी हम लोग जाके देखते हैं अभी खुला है या फिर बंद है। We have reached. रुके उतरे। गाइज अभी हम मंदिर के पास आ गए हैं, अभी बस सामने हमारे मंदिर है, तो अभी यहाँ से हम ऊपर चलेंगे। और अभी हमने आपको मंदिर के पास पास जो मार्केट है वो भी दिखाया है। तो अभी वो भैया थे जो हमारे साथ, वो बाइक पार्क करने गए हैं, वहाँ से आने के बाद अभी हम लोग ऊपर जाएंगे ब्रह्मा जी के मंदिर में, तो दिखाते हैं। अगर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं रहा तो जो पॉसिबल होगा मैं वो दिखाऊँगा। तो अभी आगे चलते हैं और फिर आपको मंदिर दिखाते हैं यहाँ से। डिजर्ट सफारी, तो गाइज अभी हम लोग ये डेजर्ट सफारी वाली प्लेस पर आ गए हैं, और अभी मंदिर बंद था इसलिए मंदिर नहीं गए हैं। तो यहाँ पे कैमल राइड, थार राइड और ये बग्गी राइड, बहुत सारी राइड्स अवेलेबल हैं, जीप राइड, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे आके कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी अपनी स्कूटी से ही पूरा इधर घूम रहे हैं, क्योंकि कुछ हम लोग को पैकेज सही नहीं मिल रहा है कैमल राइड वाला, उस वजह से अभी आगे देखते हैं। गाइज अभी हम लोग वो ड्यून और जो वो थार था वहाँ से आ गए थे, हम लोग कैमल राइड पर नहीं गए हैं क्योंकि वहाँ पे वो थोड़ा रेट सही नहीं दिखा रहे थे, और हम 3 लोग थे, 3 लोगों को जाना था, तो फिर हम लोग गए नहीं वहाँ से। तो अभी यहाँ पे एक भोजनालय है, श्याम भोजनालय, तो यहाँ पे हम लोग दाल बाटी चूरमा खाने के लिए आए हैं, जो कि राजस्थान का बहुत ज़्यादा फेमस डिश है। तो अभी इसको ट्राई करेंगे कि क्या है, कैसा टेस्ट लगता है, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं और फिर टेस्ट भी बताएंगे। गाइज अभी हम लोग ने दाल बाटी चूरमा खा लिया, जो कि बहुत ज़्यादा तीखा था, तो बहुत कम खाया। तो अभी खाने के बाद हमने आइसक्रीम भी खाई, उसके बाद अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं क्योंकि अभी मंदिर का टाइम हो गया है। तो अभी मंदिर जाएंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे, और ये हमारे पीछे मार्केट देख सकते हैं आप, तो मार्केट में देखते हैं अभी कुछ खरीदेंगे, तो सबके लिए देखते हैं क्या लेना होता है। और सबसे पहले गाड़ी पार्क करके मंदिर जाएंगे अभी। तो ये पुष्कर की फेमस मालपुए की दुकान है, तो हम लोग यहाँ से मालपुए बाई कर रहे हैं। आप भी यहाँ पे आ सकते हैं, ये राम जी की दुकान है, ये जो गऊ घाट है इसके जस्ट सामने, ये देख सकते हैं, ये गऊ घाट के जस्ट सामने, यहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ ये फेमस मालपुए की दुकान है, यहाँ का मालपुआ ज़रूर ट्राई कीजिए अगर पुष्कर आते हैं तो। Oh, 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 oh
मेरा कुछ नहीं होगा। सो गाइस अभी वो मंदिर से हम लोग निकल के आ गए हैं और हम अभी अजमेर रिटर्न जा रहे हैं। तो मंदिर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कुछ अलाउड नहीं थी तो कुछ नहीं किया। बाहर से थोड़ा बहुत जो दो टेम्पल दिखा, एक ब्रह्मा जी का टेम्पल था और एक कौन सा टेम्पल था, एक रंग जी का टेम्पल था, वो दोनों दिखाए हमने, जिसमें विष्णु भगवान जी का मंदिर है तो वो दोनों हमने दिखाए हुए हैं। अगर आप उस मंदिर रंग जी वाले मंदिर में जाएंगे तो उसमें बहुत अच्छा कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, उसमें पूरी हिस्ट्री है कि क्या क्या मतलब किस कौन कौन से अवतार लिए, सब कुछ उसमें बना हुआ है विष्णु जी का। और उसमें एक बहुत बड़ा सोने का तो क्या लगा है वो खम्मा है, नहीं उसको कुछ और बोलते होंगे ना, एक सोने का बहुत बड़ा खम्मा लगा हुआ है जिस जो कि ब्रिटिश के ज़माने का है ऐसा बोलते हैं। तो उसको देखने के लिए ज़रूर आना है पुष्कर, जब भी आए तो रंगजी मंदिर में ज़रूर आए, बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से बना है। और उधर रेत डली है उसमें खेलने में भी बहुत मज़ा आता है। वहाँ वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने दिया उस वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, अदरवाइज़ मैं वो भी दिखाता आपको। तो अभी आगे देखते हैं अभी ये लोग मुझे और कहाँ पर लेके जाते हैं। मैंने किसी से मिलवाया नहीं क्योंकि दोनों को मिलने में मतलब कैमरे पर मेन मेरी जो फ्रेंड है उसको तो बिल्कुल भी मूड नहीं है। अगर चाहे तो मैं इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ, बताओ डू यू वॉन्ट, नो नो सी बोलो नो, जिसे मुझे अभी आगे चल के देखते हैं अभी हम कहाँ पे जाते हैं। अभी एक सनसेट पॉइंट है वहाँ पे रुकेंगे एंड उसके बाद फिर आगे अजमेर जाएंगे। रास्ते में सनसेट पॉइंट मिलता है, चौपाटी मिलती है तो वहाँ सब जगह जाते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों को सब बताएंगे उस जगह के बारे में भी। और ये वीडियो जितना बड़ा हो रहा है मुझे नहीं पता कितने पार्ट्स में आएगा, लेकिन आता जाएगा। आराम से हम पीछे बैठे, झटका लग जा सकता है मुझे। यहाँ के हैवी ड्राइवर हैं बहुत, देखो हम कह रहे हैं इतने हैवी ड्राइवर हैं कि बता नहीं सकते, मतलब उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि आप कहाँ से निकलना, बस निकलना है सीरियसली। ये अजमेर स्टेशन आ गए हम फिर से, ये रात में शूट नहीं कर पाया था, अब कर ले रहे हम। अजमेर जंक्शन में अंदर जाते हुए बन सके, अभी कल फिर से आएंगे अजमेर। तो गाइज अभी मैं वहाँ से रिटर्न आके जो हमने महाराणा प्रताप स्मारक दिखाया था उसके बाद हम लोग काफ़ी घूमे, मॉल गए और अभी हम जा रहे हैं दरगाह, क्योंकि रात में थोड़ी क्राउड कम रहती है तो वहाँ दरगाह अभी जाके आ जाएंगे। फिर मैं अपना मतलब जो कल का रहेगा वो कल बताएंगे कि क्या सिस्टम है। फिलहाल में अभी हम लोग दरगाह जा रहे हैं और ये स्टेशन के बगल से ये मार्केट भी लगा हुआ है कुछ, तो ये मार्केट के पास से निकल के भी जा रहे हैं और दरगाह जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या सिस्टम है। उधर भी मोबाइल अलाउड नहीं है तो जो भी पॉसिबिलिटीज रहेगी वो दिखाता हूँ मैं। हाँ फिर यहाँ से कितने दूर है दरगाह, आधा किलोमीटर और जाना पड़ेगा, हाँ वही 500 मीटर, दैट इज करेक्ट। अच्छा अजमेर का फेमस सोन हलवा यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पर आपको एज अ राजस्थान लुक के हिसाब से बहुत सारी वैरायटी मिल सकती है, पैरों में जूती होगी,
हिसाब से पार्ट्स लेकर लेकर बच्चों की ड्रेसेस, बड़ों की ड्रेसेस। ड्रेसेस तो मैं दिख रहे हैं, और बताओ। यहाँ पर आगे घी मंडी आने वाली है। अच्छा, घी लेके जाना हो तो घी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे टोमैको स्टोर हुई है, अगर किसी को तम्बाकू लेना हो तो अच्छी वाली तम्बाकू मिल जाएगी। यहाँ पे मेहंदी भी बहुत तरह की मिलती है, अजमेर टोमैको स्टोर। ये स्पेशली मेहंदी के लिए भी बहुत फेमस है, हर तरह की मेहंदी यहाँ पर। हाँ, मेहंदी मार्केट लग रहा है ये सच में। भैया देख के अपन को देखना पड़ेगा, ये लोग नहीं देखेंगे। घी मंडी है ये क्या? अच्छा, वो घी मंडी थी। अच्छा, ओके, अच्छा ये मार्केट है। वाओ, राजस्थानी ड्रेसेस 1999 की खरीद पर फ्री गिफ्ट। चलो करते हैं।